राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। 115 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। जाहिर है इस प्रदर्शन से भाजपा खुश है, लेकिन एक ऐसी सीट है जहां भाजपा की जीत की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक है। हरियाणा से सटे मेवात इलाके की कामा सीट से जीती भाजपा नेता नौक्षम चौधरी। नौक्षम चौधरी को 78,646 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तियार अहमद इसी सीट से 2008 और 2018 में विधायक रह चुकी कांग्रेस नेता जाहिदा खान तीसरे नंबर पर रही। मिरांडा हाउस कॉलेज की एक लड़की जो लंदन और मिलान में पढ़ी, सिंगापुर में फैशन इंडस्ट्री में मोटी तनख्वाह पर काम कर रही थी, वो मेवात जैसे पिछड़े इलाके की राजनीति में उतरी तो उसका चर्चा में आना लाजमी था। 30 बरस की नौक्षम है मेवात से ही, लेकिन हरियाणा वाले मेवात की। पैतृक गांव है पुन्हाना जिले का पेमा खेड़ा। उनकी माँ रंजीता कौर हरियाणा काडर में आईएएस ऑफिसर हैं और पिता राम सिंह चौधरी रिटायर्ड जज हैं। उनके चाचा भी आईपीएस ऑफिसर थे। नौक्षम के मामा भी सरकार में बड़े ओहदे पर हैं। नौक्षम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से हिस्ट्री की पढ़ाई की है। एक इंटरव्यू में नौक्षम ने बताया है कि मिरांडा हाउस में पढ़ाई के दौरान उन्होंने खूब सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा नाटक लिखने और स्टेज पर एक्टिंग करने में भी उनकी दिलचस्पी रही है। उन्हें 10 भाषाओं का ज्ञान है। डीयू के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इटली के मिलान शहर चली गई। यहाँ से उन्होंने फैशन बिजनेस और ब्रांड मैनेजमेंट में मास्टर्स की पढ़ाई की। मिलान से वो पहुंची लंदन, जहां उन्होंने मीडिया प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिली सिंगापुर में। यहाँ उन्हें कुछ टॉप फैशन ब्रांड्स के लिए पब्लिक रिलेशंस का काम देखना था। कुछ वक्त नौकरी करने के बाद नौक्षम ने पॉलिटिक्स को पहली प्रायोरिटी बनाया। नौक्षम पहली बार चर्चा में आई 2019 में, जब उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पुन्हाना सीट से टिकट देने के लिए भाजपा ने सिटिंग विधायक रहीश खान का टिकट काट दिया। खान बागी हो गए, चुनाव लड़े और हार गए। जीत नौक्षम ही नहीं पाई, तीसरे नंबर पर रहीं। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उन्हें डी जिले की कामा सीट से उतारा और इस बार वो सफल रही। चुनाव प्रचार के दौरान नौक्षम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रही थी, किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ, हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारा काम आता है और जूते से इलेक्शन लड़ना आता है, इसका ऐलान करती हूँ। इस बयान के बाद रिटर्निंग ऑफिसर विनोद कुमार ने उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन एक रिमाइंडर के बाद ही नौक्षम ने जवाब दिया। आगे क्या कार्रवाई हुई इस पर जब हमने विनोद कुमार से बात की तो उनका कहना था कि हमने आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी थी। वैसे नौक्षम दावा करती हैं कि जिस वीडियो पर उन्हें नोटिस जारी हुआ वो एडिट किया हुआ था, क्योंकि नौक्षम का पैतृक गाँव हरियाणा में है, इसलिए उन पर बाहरी होने का आरोप भी लगा है। लेकिन उन्होंने मेवात की बेटी का नारा बुलंद किया। कामा के पत्रकार बताते हैं कि सीट पर कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री और सिटिंग एमएलए जाहिदा खान का भारी विरोध था। निर्दलीय कैंडिडेट मुख्तियार अहमद ने इसे भुनाया। मुख्तियार और जाहिदा के बीच वोटों का बंटवारा हुआ और फायदा मिला नौक्षम को। इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपक ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।